हेलो गाइस, बोलो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तरफ से आज आप लोगों को एक सिक्योरिटी गार्ड जॉब की का बारे में आप लोगों को बताएंगे और शेयर करेंगे। ये सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कहाँ होगा, इस कंपनी के लिए, इस काम के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एलिजिबल होना चाहिए, आपका कितना हाइट होना चाहिए, मैं पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोगों में शेयर करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो में आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट बताएंगे गाइस, ये सिक्योरिटी गार्ड जॉब में मिनिमम जो हाइट है वो 5.5 फुट हाइट होना चाहिए, 5 फुट 6 इंच मिनिमम हाइट होना चाहिए। बहुत सारा बंदा फोन करता है, फोन करके बोलता है कि सर मेरा हाइट है 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको मैं क्लियरली बोल देता हूँ, मिनिमम 5.5 फुट हाइट होना मैंडेटरी है, क्लास 10 पास होना ही चाहिए मैंडेटरी है, क्लास 10 पास 10वीं पास ये मैंडेटरी है। रहने के लिए टोटली कंपनी तरफ से फ्री भी देगा कंपनी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड काम के लिए। मिनिमम जो सैलरी आपका होगा 13,000, इसके अंदर भी पीएफएसआई रहेगा, 12 घंटा करके ड्यूटी है, एक हफ्ता डे एक हफ्ता नाइट आपको काम करना पड़ेगा। इसका अभी लोकेशन है न्यू टाउन में गाइस, न्यू टाउन में इसका लोकेशन है। बट इस काम का जो पोस्टिंग है आपका प्राइवेट कोई भी कंपनी के अंदर हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर हो सकता है, कोई अपार्टमेंट हो सकता है, कोई मॉल में भी हो सकता है गाइस। तो ये डिपेंड कर रहा है एक्चुअली कंपनी के ऊपर कि आपको कहाँ पोस्टिंग कराएगा, कहाँ कंपनी आपको काम देगा, तो टोटली डिपेंड कर रहा है कंपनी के ऊपर। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमको मॉल में चाहिए या अपार्टमेंट में चाहिए, ऐसा नहीं है गाइस। कंपनी को जहां मन करेगा वही आपको पोस्टिंग कराएगा। तो इस काम के लिए गाइस मिनिमम जो क्वालिफिकेशन हो 10 पास होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम जो हाइट है वो आपका 5.5 फुट होना चाहिए। अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड में अगर काम किए हुए हैं पहले से एक्सपीरियंस है तो उनके लिए और भी एक्स्ट्रा अलग से प्रिफर किया जाएगा। एक हफ्ता डे एक हफ्ता नाइट इसका शिफ्टिंग ड्यूटी होता है गाइस। रहने के लिए रूम भी टोटली फ्री है, इसका भी ज्वाइनिंग सेम डे स्पॉट ज्वाइनिंग होता है, जिस दिन आइएगा आपको उस दिन से ड्यूटी दिला जाएगा, उस दिन से रहने के लिए रूम भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसको अगर काम के लिए कंपनी तरफ से आपको ESI PF सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, 26 दिन का भी ड्यूटी होता है गाइज। तो गाइज अगर आप लोग इस काम में इंटरेस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो दिया हुआ नंबर है आप नंबर में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या प्रोसेस है, पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।